हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सीएससी। ये है मेरा नया कैमरा R6 Mark II और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इसके बारे में। हम आज जानेंगे इसके क्या स्पेसिफिकेशन है और ये कैमरा किन लोगों के लिए बना है, क्या ये अपने कॉस्ट को जस्टिफाई करता है, क्या ये स्पोर्ट फोटोग्राफर के लिए है, क्या ये वेडिंग फोटोग्राफर के लिए और सिनेमाटोग्राफर के लिए, क्या हम इससे म्यूजिक वीडियो शूट कर सकते हैं, ये सब हम आगे चल के इस चैनल पे जानने वाले हैं। कैनन EOS R6 Mark II एक फुल फ्रेम कैमरा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैनन अच्छा और पावरफुल कैमरा बनाता आया है कई सालों से, और इसके EOS R सिस्टम जो मिररलेस कैमरा कैटेगरी में आता है, यह एक हाइब्रिड कैमरा है। हाइब्रिड कैमरे का मतलब होता है कि आप जिससे आप फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा कर सकें और वीडियोग्राफी, और उसके लिए ये कैमरा आपको एक परफेक्ट चॉइस देता है। कैनन ने अक्टूबर 2018 को EOS R सिस्टम का अपना पहला मिररलेस कैमरा मार्केट में उतारा। उसके बाद इनका अगला कैमरा EOS R6 था, जो कि वो भी बहुत अच्छा कैमरा था। इसके पहले मेरे पास EOS R था, वो कैमरा मेरे फेवरेट कैमरों में से है। मैंने उसमें काफ़ी सारी वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक वीडियोस और इवेंट शूट किए थे, और उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये सबसे बेस्ट कैमरा है। मैंने सोनी के भी काफ़ी कैमरे यूज़ किए, मैंने निकॉन के भी, बट EOS R सिस्टम का जो क्वालिटी होती है वो अलग ही है। मेरा पहला कैमरा कैनन 5D Mark III था और मैं काफ़ी टाइम से कैनन यूज़र रहा हूँ। कैनन में जो आपको कलर डेप्थ मिलती है और जो कलर शार्पनेस रहता है और जो डिटेलिंग रहती है, वो आपको एक अच्छा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देने में मदद करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कैनन R6 Mark II। ये एक फुल फ्रेम कैमरा है, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें 24.2 मेगापिक्सल कैमरा है ये, और हम इसमें 4K ओवर सैंपल 6K वीडियो शूट करते हैं। ओवर सैंपल 6K का मतलब ये है कि हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो 6K में है, बट उसके कैमरे में जो टाइमलाइन बन रही है, जो रिकॉर्ड हो रहा है, वो 4K में है। इसका मतलब ये है कि हमको बहुत शार्प क्रिस्टल पिक्चर वीडियो क्वालिटी मिल जाएंगी। हम इसमें 4K 60fps और फुल HD 180fps में शूट कर सकते हैं। फुल HD 180fps काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको अच्छा स्मूथ स्लो मोशन इससे मिल सकता है, और उसके साथ ही साथ हम लोग 6K 60fps रॉ शूट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक रिकॉर्डर लगाना पड़ेगा। इस कैमरे में आपको 5 बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसको 5 एक्सिस कहते हैं, वो मिलता है, और साथ ही साथ इसका टिल्ट स्क्रीन, जो आपको किसी भी एंगल में वीडियो और फोटो शूट करने में मदद करता है। इसमें एक अच्छा फीचर मुझे जो लगता है वो है प्री रिकॉर्डिंग में आप कोई भी वीडियो को आप 3 से 5 सेकंड पहले आप शूट कर सकते हैं। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे, उसके कुछ सेकंड का पहले का आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। सपोज़ आपका कोई फंक्शन मिस हो रहा हो, उस टाइम आप बटन क्लिक करें और उसके कुछ सेकंड पहले का आपका वीडियो फुटेज रिकॉर्ड हो जाता है। ये वेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वेडिंग में हमें टाइम नहीं मिल पाता है, टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ये प्री रिकॉर्डिंग बहुत ही काम। इसमें डुअल HD स्लॉट मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके पहले EOS R में ये नहीं था। डुअल HD स्लॉट होने से आपको ये अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि जो आपका इम्पॉर्टेंट डेटा है, आप उसको 2 कार्ड में एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो आपका बैकअप भी बना रहेगा, जिससे कभी आपका डेटा लॉस होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। इसका ISO रेंज काफ़ी अच्छा है, ये 100 टू 1,24,000 तक आपको ISO रेंज प्रोवाइड कर सकता है, जो कि आप नाइट में काफ़ी अच्छे फोटोज़ खींच सकते हैं। इस कैमरे में आपको 3.6 मिलियन डॉट का व्यू फाइंडर मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। सपोज़ आपको LCD में बहुत धूप है और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको व्यू फाइंडर से भी बहुत अच्छा व्यू मिल सकता है। वैसे तो सब जानना चाहते हैं कि कितने फ्रेम पर सेकंड फ़ोटो शूट कर सकता है। ये 12 फ्रेम पर सेकंड मैकेनिकल शटर और 40 फ्रेम पर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक शटर खींचता है, जो कि वेडिंग फोटोग्राफी और स्पोर्ट फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। आपको 1 सेकंड में ही आपको 40fps शूट मिलेगा, मतलब आपको 1 सेकंड में 40 फोटोज़ आप खींच सकते हो। इसमें ऑटो फोकस डिटेक्शन भी बहुत अच्छा है, आई डिटेक्शन, एनिमल प्रायोरिटी एंड व्हीकल प्रायोरिटी, जिससे आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो, जो कि ये बहुत अच्छा है।
यहाँ पर बैटरी स्लॉट दिया गया है और इस साइड आपको मिनी एचडीएमआई, माइक्रोफोन जैक, हेडफोन और यूएसबी का ऑप्शन दिया गया है। आपको इसके लेफ्ट हैंड में बोर्ड का बटन मिल जाता है। आप लेफ्ट साइड करेंगे तो फोटोग्राफी और राइट साइड करेंगे तो वीडियोग्राफी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको राइट हैंड साइड में ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इस कैमरे की बॉडी बहुत अच्छी है और इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, जो आपको शूट टाइम काफ़ी कंफर्टेबल और रिलैक्स रखने में मदद करेगा। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ मैं अच्छा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, जो एक प्रोफेशनल है, कोई छोटा सा बच्चा सा कैमरा नहीं है। और अब हम बात करने वाले हैं इसके प्राइस की। वैसे तो अभी तक ये मार्केट में सिर्फ बॉडी इसकी 1,95,000 में आपको मिल जाएगी। हाँ, ये थोड़ी सी कॉस्टली है क्योंकि ये प्रोफेशनल कैमरे की कैटेगरी में आ जाती है। ये बिगिनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहेगा ख़रीदना, बट अगर बिगिनर जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं फोटोग्राफी, वो अगर इस कैमरे को बाय करते हैं तो उनके लिए काफ़ी एडवांस सीखने को मिलेगा। और ये फुल प्रोफेशनल लोगों के लिए ऑब्वियसली है ही है ये कैमरा, जिससे आप बहुत सारे फोटोग्राफी और वेडिंग में या आप किसी इवेंट में या कोई दूसरा कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी रिलेटेड वर्क आप इससे बहुत अच्छे से शूट कर सकते हैं। मैंने इस कैमरे से इसका सैम्पल वीडियो और फोटो अपने पुराने वीडियो में अपलोड किया हुआ था, आप मेरे चैनल पे जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। आगे चलकर कैनन R6 Mark II से हम काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियो शूट करेंगे, उसको हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे, जैसे कुछ म्यूज़िक वीडियोस, वेडिंग वीडियोस और कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। ये रहा इसका कुछ सैम्पल फुटेज, ये 180 में शूट किया हुआ इसका स्लो मोशन वीडियो है। आगे भी हम आपको इस कैमरे से बहुत सारे फुटेजेस, बहुत सारे वीडियोस बना बना के अपलोड करते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे मैं आगे चल के और सारे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। कुछ मैं छोटे मोटे इस वीडियोस और सीखता रहूँगा, एडिटिंग सीखता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।